जय हिंद। उनके लिए संदेश जो हरामखोर लोग चाह रहे थे कि 15 अगस्त में भारत के स्वतंत्रता दिवस पर कुछ ना कुछ हंगामा करें, कुछ ना कुछ, उन्होंने नौटंकी भी कोशिश की। बेंगलुरु में जो हुआ है, अगर अभी तक किसी को नहीं पता है तो ये बड़ा मैटर इसलिए है कि तुम लोग फिर पता नहीं क्या साला कहां पे किस दुनिया में जी रहे हो, और इस हिंदुस्तान के लिए फिर तुम अगर इतना भी जानकारी नहीं रख सकते तो फिर देख लो यार, फिर वो तुम्हारी परवरिश, तुम लोग धिक्कार है फिर तुम्हारे ऊपर। जो भी ऐसे आदमी है जिनको आज तक ये नहीं पता, अभी तक नहीं पता कि 11 तारीख की रात को क्या हुआ था बेंगलुरु में, सबसे पहले सुन लो। जो लोग अंदर गए हैं, जो लगभग 149 लौंडे लपाड़ी हैं, दंगाई जो हैं, फिर अपन सब आएंगे बहुत डिटेल से, आराम से सब बात पर समझाना है। गुस्सा और गाली की इसमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये खुद अपने माँ बाप के ऊपर सबसे बड़ी गाली है साले दंगाई जिनने ये दंगे किए हैं। सेक्शन इंडियन पिनल कोड की धाराएं सुन लो सबसे पहले। सेक्शन 146, 147, 148, 149, 186, 332, ये इतनी तो धाराएं इनके ऊपर क्लियर कट लगती हैं, क्योंकि जो दंगे किए हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी है, उसके बाद पत्थरबाजी की बहुत सारी चीज है। लेकिन मुद्दा यहां ये तो बिल्कुल नहीं है, मुद्दा यहां पर ये है शुरुआत कहां से हुई, खत्म कहां होगी, क्या सॉल्यूशन, सब पे बात करना पड़ेगी। सिर प्रॉब्लम पे तो पूरी दुनिया चिल्ला रही है, किसी के पास सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन इज मस्ट इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अब एक बात समझ में आती है, जहां से समझना पड़ेगा, इन लोगों को यह दंगा क्यों बताया जा रहा है? दो पक्ष नहीं लड़े हैं इसमें, एक पूरी भीड़ ने क्यों हमला किया है, सवाल ये है। सवाल क्या क्या है पहले वो देख समझ लो, क्यों हुआ वो समझ लो। ये वो हरामखोर लोग हैं जो मेरे जैसों की मेहनत पर पानी और आग लगा देते हैं साले। इतने साल से चिल्ला रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दंगा मत करो बे, किसी का कुछ नहीं होगा। हाँ, कानून के हिसाब से अगर बात करें, और यस, मोस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट दीज बास्टर्ड्स। और जब मैं बास्टर्ड कहता हूं, उसका मतलब हरामखोरी हरामी है साले, क्योंकि जो इस देश का सगा नहीं है उसको मैं हरामी कहूंगा, उसको मैं हरामखोर कहूंगा। जो 250 गाड़ियां फूंक देता है उसको क्या कहेंगे बे? एक भीड़ जो बिल्कुल प्लैंड तरीके से तीन जगह इकट्ठा हमला कैसे होता है? डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन है, केजी हल्ली पुलिस स्टेशन है वहां पर, लेकिन उसके पहले एक एमएलए किसका? कांग्रेस पार्टी का, लेकिन हरिजन विधायक, उस हरिजन विधायक के घर पर कितने हजारों की संख्या में, 250 से लेकर 1000 का अनुमान है, अलग अलग रिपोर्ट्स अलग अलग बातें कर रही हैं, ठीक है, हमला करते हैं। अच्छा, तो रॉबरी का क्यों केस नहीं लग रहा है इनके ऊपर? ये विधायक को कौन डरा रहा है? इसके रिश्तेदार कोई भतीजा पोता पता नहीं कौन है साला उस हरामखोर ने। अब यहां क्लियर समझ लो, मैं उसको भी हरामखोर बोल रहा हूं, क्योंकि जिसने वो कहता है कि अकाउंट हैक हो गया, तो वो तो पुलिस का काम है ना। यहां मैटर है कि एक आदमी का अकाउंट हैक होता है, हैक हुआ नहीं हुआ वो दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दी पुलिस मस्ट डू दैट। अभी उस वहां पर उस बंदे ने एक पोस्ट किया जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ किया, तो यहां पर वायलेंस हाथ में देने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? धर्म पालन करने का उसका अधिकार है तुम्हारे पास, लेकिन तुम हाथ में पेट्रोल बम लेकर, पत्थर लेकर किसी के घर में घुस जाना, रॉबरी का केस बनता है। और सबसे बड़ी चीज है, इसमें मॉब लिंचिंग की नजरिए से देखना चाहिए। मॉब लिंचिंग इसलिए क्योंकि किसी के घर में एक भीड़ घुस रही है, पुलिस थाने में एक भीड़ घुस रही है, जो 8:30 बजे से सर्कस शुरू होता है, रात को 2 बजे तक चलता है, और सब चुप रहते हैं मीडिया पे बिल्कुल। हाँ, मीडिया तो ठीक है, यस, मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया, कुछ ने दिखाया, कुछ पक्ष में खड़े हो जाते हैं, कुछ विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। मुद्दा यहां पक्ष विपक्ष का नहीं है, मुद्दा यहां कांग्रेस बीजेपी और वहां की पार्टी का नहीं है। यहां मुद्दा क्या है, जब दिल्ली में ऐसी ही एक घटना होती है, तब एक पूरा सेक्शन इस देश का जो साले हराम को लोग असुरक्षित फील करने लगते हैं, और बिल्कुल ट्रेंडिंग हो जाता है उसी रात को या उसी दूसरे दिन सुबह। अब क्या हो गया, दिल्ली वाले हमलों में तो सब इकट्ठे हो गए बेटे, अब क्या हुआ बे? ये बहुत बड़े दोगले हैं, इनकी बहुत बड़ी पोल खोलना जरूरी है। जो हरिजनों के बड़े हितेशी बनते हैं, ये तो हरिजन विधायक है, हरिजन के ऊपर अगर हमला हुआ है, सुनो बहुत क्लियर सुन लो, मैं 1000 बार कह चुका हूं, क्रिमिनल एज अ ब्लडी क्रिमिनल। इसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल बाद में, वो पुलिस का काम है उसको करने दो, कोर्ट का काम है, कोर्ट जजमेंट देगा। तुम मत सोशल मीडिया में करने लगो कि मुसलमान गलत, हिंदू गलत, पहले इसने किया उसने किया। यहीं पर एक बात और समझ में आती है कि उसी विधायक के घर के सामने एक हनुमान मंदिर है, वहां पर कुछ ऐसे मुस्लिम भी बच्चे आ रहे, मुझे नाज है उनकी माओ की कोख पर यार, उन बच्चों ने वहां पर एक पूरी की पूरी ह्यूमन चेन बनाई कि कहीं मंदिर पे हमला ना हो, मंदिर पर नुकसान न करे भीड़ दंगाइयों की। ये भी तो मुस्लिम है ना, तुम्हारी गाड़ी चोरी होगी तो तुम किसी और की गाड़ी चुरा लोगे, तो पुलिस किस लिए है बे? कानून व्यवस्था किस लिए है? लॉ एंड ऑर्डर किस लिए है? और हां, जो हरिजनों के हितैषी थे अब कहां गए? वो पूरी की पूरी एक ऐसी गैंग है जो बिल्कुल बैठ जाती है कि नहीं, हम तो ये वापस कर देंगे, पूरी टुकड़े टुकड़े गैंग है, फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है, फिर हाँ। और एक इसमें भी मीडिया वाले जिनको साला हर मुसलमान गलत दिखता है, एक मीडिया वाले जिसको हर हिंदू गलत दिखता है, किस टाइप के हो गए तुम लोग?
जब तक आप रेगुलेटिंग बॉडी अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, ये देश में भांडगिरी चलती रहेगी। समस्या ये है हमारे इधर कि बस पॉलिटिक्स आप देख रहे हो। आप किसी ने यह सोचा अगर इन पे पूरे पे केस साबित हो जाता है, कितने सेक्शन है मैंने बता दिया, 307 और 302 क्यों नहीं लगाए जा रहे इन पर? मरे दंगाई तीन है वो मैटर नहीं करता है, हाँ क्योंकि दहशत ही नहीं है उनको, पता है पुलिस स्टेशन में घुस के मारेंगे, क्या कर लेगी पुलिस? अरे यहां पर तो पुलिस तुम्हारी अथॉरिटी पर, और मुझे जो हिंदू मुस्लिम का पार्ट मत पढ़ाने, मेरे कमेंट सेक्शन में आना बे। हाँ तुमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तुमको राइट है अपनी राय रखने का, आप रखिए, लेकिन हिंदू मुस्लिम दंगाई वाली बात मत करना। अति हिंदू, मैं जब मुसलमानों के लिए बोलता हूं कि वो सही है तो हिंदू खड़े हो जाते हैं, जब मैं हिंदुओं के लिए बोलता हूं सही है तो मुसलमान अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। मेरे को गद्दार लिखते हो तुम लोग, अबे तुम्हारे हिसाब से मैं गद्दार हूं क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम की बात करता हूं, वाह मुझे घंट फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे लिए तुम जो कहते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, ना बाइबल से चलेगा, ना कुरबान से चलेगा, ना गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है बे, चलेगा तो संविधान से चलेगा। मैं बोलता हूं सिविल में भी अगर पत्थरबाजी होती है, असली बुलेट अगर नहीं मार सकते, पैलेट गन से इनको ठोकाई होना चाहिए, और नया कानून लाना इज मस्ट, बहुत जरूरी है, इनकी संपत्तियां जब्त करो। और मैं तो कहता हूं कानून में ऐसी कोई चीज होना चाहिए, इनके माथे पे लिख दो साले कि ये दंगाई है, सबको पता तो चले कि हरामखोर लोग समाज में है कौन, जो एक मेरी पूरी जिंदगी में चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया, अबे दंगे मत करो, कानून की इज्जत करो, संविधान की इज्जत करो, वर्दी वालों की इज्जत करो। मान लो वो जो लौंडा है जिसने पोस्ट की है प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ, बिल्कुल गलत है, मैं कहता हूं किसी भी धर्म की किसी भी, क्योंकि वो कानून के खिलाफ है, और मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला। अगर आपकी फीलिंग आहत हुई है तो आप क्या करोगे? आप जाओगे पुलिस के पास, है ना? मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि आजकल एक नया ट्रेंड चला है, और ये केंद्र सरकार के लिए भी वार्निंग है, ये वार्निंग स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। एक बात बहुत सही है कि दंगे अगर होते नहीं करवाए जाते हैं, तो जो ये कहता है कि दंगे होते नहीं करवाए जाते, सबूत लाना, मैं खड़ा होता हूं तेरे साथ, मैं बनूंगा, मैं PIL दायर करूंगा सुप्रीम कोर्ट में। कौन है अथॉरिटी डिसाइड करने के लिए क्या सही है क्या गलत है? ये मालूम है जब तुम खुद से डिसाइड करने लगोगे, ऐसे में तो आग लग जाएगी, ऐसे में तो गोलियां चल जाएगी। मतलब मैंने पूरी जिंदगी स्किल सीखी हड्डी तोड़ने की, तो किसी ने मुझसे बोला कि तुम गलत हो मैं उसको मुंह तोड़ दूं? नहीं, मेरे बारे में बुरा कहा किसी ने, मैं सीधे डिफेमेशन के लिए जाऊंगा, मानहानि के लिए जाऊंगा, मैं कानून के हिसाब से चलूंगा, ना कि यार ये जंगल राज बनाना है क्या भाई हिंदुस्तान में? आजकल जिसको मर्जी आई, कोई बात पसंद नहीं आई, दंगे शुरू हो गए? नहीं, क्योंकि ये सॉल्यूशन की बात आ गई। प्रॉब्लम तो सबको पता है क्या हुई, बात यहां है सॉल्यूशन की। SDFI जो भी ऑर्गेनाइजर, PFI का फ्रंट है, सबको पता है इनको इतना वो फुटेज नहीं देना है। हराम खोर लोग साले, इनका जरा चेक करो, इनका बैकग्राउंड चेक करो, इनकी मनी चेक करो, ED के पास इनको पूरा क्लियर कट पता होना चाहिए इनकी। अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो गई, जिनका भी फंड्स कहीं से भी टेरर एक्टिविटीज के क्लियर कट आता है, आप क्लियर चेक करो, 66F में क्लियर का लिखा हुआ है कौन सी साइबर टेररिज्म, और उसके बाद ED में 50 सेक्शन है इकोनॉमिक ऑफेंस के, इन सबको मैं तो कहता हूं 300 साल की सजा नहीं होगी ना, जब तक तब तक कुछ नहीं होगा। और दंगाइयों का अगर साबित होता है, वो दंगाई किसी के औलाद हो, किसी धर्म से हो, किसी का बाप हो, उसका बाप कुछ भी हो, साले को जब तक पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं करोगे कानून के हिसाब से, जब तक उसको नहीं टांगोगे, नया कानून स्ट्रिक्ट लॉ बना के और उसका पालन जब तक आप नहीं करवाओगे, इस देश में नहीं होने वाला। दो चीजों की डिमांड थी, पहले से करता आया हूं, आज भी कर रहा हूं। पहला, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध बलात्कारियों को आप जब तक पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं करोगे, सालों को जब तक कैपिटल पनिशमेंट नहीं दोगे, नहीं सुधरेगी, दहशत जरूरी है। दूसरा, ऐसे लोग जो धर्म के नाम पर दंगे करते हैं, चाहे वो किसी की औलाद हो, किसी धर्म को हो, किसी कोई भी उनका बाप हो, इनको जब तक साबित होता है, जैसे इनको पब्लिक हैंगिंग आप नहीं करोगे, दहशत बहुत जरूरी है। क्या चल रहा है? ये यहां पर सीरिया, लेबनान, जॉर्डन बना देंगे साले हरामखोर लोग। यहां पुलिस थाने की बात नहीं है, बात यह है क्या इनको कानून पर भरोसा नहीं है, क्या इनको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है? और अगर उस लौंडे को भी जिसने ये पोस्ट की थी उसको भी अगर बचाने की कोशिश की गई है, आप कॉल रिकॉर्ड्स उठाइए आप। और यार पूरे देश में हमें साइबर यूनिट्स बहुत क्लियर कट स्टैंडर्ड पे, हम US का देख लो, US में 2009 में 9/11 से बड़ा तीन लौंडे अटैक करने वाले थे, वहां की इन्वेस्टिगेशन बहुत पैटर्न। हम बात करते हैं आप इसराइल से, एक से एक आपको एक्सपर्ट्स हैं, हम क्यों नहीं उनकी मदद ले सकते हैं? और हमारे इधर इतना बढ़िया ब्रेन है हिंदुस्तान में यार, हम क्यों उसका यूज नहीं करते हैं? हमें इन बच्चों को, आप मेक इन इंडिया के तहत आप बताइए बच्चों को, एक से एक हैकर्स, एथिकल हैकर्स की जरूरत है। आप
कहीं पर भी अगर कोई गलत ऐसा लिखता है धर्म संप्रदाय के खिलाफ, भारत के राष्ट्र के खिलाफ, और एक मेरा ये मांग है, मेरी ये पब्लिक डिमांड है, और मैं केंद्र सरकार राज्य सरकार सबको रिकमेंड करना चाहता हूं, आप इस पर क्यों नहीं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है ठोको सालों के ऊपर, जब तक इनकी पुष्टें परेशान नहीं होंगी तब तक नहीं समझ में आएगा। और नई एजुकेशन पॉलिसी में आप पढ़ाइए कि अगर आप ये गलत करेंगे तो आपके खिलाफ ये होगा, और ये भी पढ़ाइए बच्चों को, हमें बाकी ज्ञान की जरूरत नहीं है, बच्चों को कम से कम संविधान पता होना चाहिए, कानून पता होना चाहिए कि अगर हमने गलती की भारत के नागरिक होने के नाते तो हमारी ऐसी तैसी कानून करेगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी चीज है, जो ये गैंग है इनको आइडेंटिफाई कीजिए, चाहे वो कोई भी हो। इस पूरे इसमें 1000 लोग कैसे इकट्ठे हो गए, अब ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं, और ध्यान रखिएगा मैं आखिरी तक घसीटूंगा, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, जहां वतन आता है वतन से बड़ा कोई नहीं, मेरा धर्म जो है वो तिरंगा था, है और रहेगा, और तीनों रंग बराबर है मेरे लिए, जो वतन के खिलाफ है उसको उठाओ, उनके हिसाब से टैटू बनाओ और मत्थे पे टैटू बनाओ कि ये साला इस देश के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से कम कुछ नहीं लगना चाहिए इन लोगों के ऊपर। अब ये आपके ऊपर है, आप इस देश को कैसा चलाना चाहते हैं, डर के माहौल में या दिलेरी के माहौल में? वतन के खिलाफ जाओगे तो वतन को उस आदमी के खिलाफ जाना चाहिए जो भी आदमी मेरे वतन के खिलाफ जाता है। मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।